हेलो फ्रेंड, मैं मंजू सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप की तरफ से। और फ्रेंड, हम आज स्टार्ट करेंगे अपना जो करेक्टर है इसको रिक करने का। बेसिकली मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रिक करना है। रिक करने के लिए आते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक। एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, बेसिकली अपने पार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ओके, तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एडिटिंग के लिए। बेसिकली जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम ले लेंगे। मैंने कुछ एडिशन किया है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। एंड इसको ऑफ करके यहाँ मैंने अपने एलिप्स को लगाया है, ठीक है, जिसको राउंड करने के लिए। और फिर वापस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना रिगिंग। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास पार्ट्स हैं, सेलेक्ट इस तरीके से। एंड क्रिएट करते हैं हम और नाम देते हैं CH0.1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और क्लिक करेंगे अपना बोन के लिए, और बोन को हम नाम दे देंगे CH.01, ठीक है। अब यहाँ हम बेसिकली अभी हम हैंड को करना है, तो हम इसके आर्म को जो रिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जो मेरे पास दो आर्म है, और इन दोनों आर्म को अपनी बोन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इस पर ध्यान मत दीजिए कि अभी ये बाहर आ गया और वो अंदर है, क्योंकि हमारे लेयर्स का जो सीन है उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। तो हम आते हैं, क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट करते हैं अपनी बोन। जो सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से एंड असाइन करोगे, दोबारा यहाँ होगे, इसको सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ इसको और असाइन, ठीक है। बोन ऑलरेडी हमारे पास जो है वो सेलेक्ट करना है हमें, और यहाँ से क्रिएट कर देना है। सेम आओगे, फिर दोबारा बोन को सेलेक्ट करोगे अपनी, और यहाँ फिर यहाँ से असाइन, और ये वाला ये फिर असाइन सेलेक्ट असाइन, ठीक है। सेम आते हैं अपने हैंड पर, जो हैंड है हमारे पास, ठीक है, सेलेक्ट एंड क्लिक क्लिक, ठीक है, एंड असाइन, ठीक है। तो यह हमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो हम इस इशू को सॉल्व करेंगे अपने अपने टी पोज में आके, और इसको इस तरीके से मैच करा लेंगे, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। एंड चाइल्ड पेरेंट करना, तो चाइल्ड ऑलरेडी सेलेक्ट है, पेरेंट करो इसे, फिर बी इसको सेलेक्ट करो, एफपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आओ, सेलेक्ट करो अपने टूल के लिए, जो हमारे पास बॉन है, सेलेक्ट करो, यहाँ से इसको इस तरीके से क्रिएट करना है, जो बेसिकली हम क्रिएट करते हैं उसी तरीके से। फिर सेलेक्ट करो यहाँ से, ठीक है, फिर हमें एक यहाँ चाहिए इस तरीके से, फिर एक यहाँ सेलेक्ट, टी सेलेक्ट करो यहाँ पर, ठीक है। अब हमें करना है जो हमारे पास बोन है, ठीक है, वी ये एंड ये और ये, यहाँ से ग्रीन, ठीक है, जो हम अपने स्टेप के हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ इसको कर देंगे। एंड यहाँ से मैं फिर अपना सेलेक्ट करूँगा अपना टू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वी, फिर यहाँ से आप क्या करोगे कि टूल को यहाँ से एक्सेप्ट के साथ क्लिक कर लोगे, ठीक है, और इसको भी कलर अपना चेंज करके दे दोगे ग्रीन, परफेक्ट। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो हमारे पास हैंड है, बी सेलेक्ट 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 सेलेक्ट,
अपने मैनिपुलेटर के अंदर आओगे, यहाँ कर दोगे इनकोज जो है 0.02 अराउंड, परफेक्ट। अब अगर आप चेक करोगे तो यहाँ हमारे पास जो पॉन है ये वाली, इस पर कोई भी हमें बेट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ एस पेस करेंगे, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जीरो कर लेंगे, बाकी की स्ट्रेंथ हमें लग रहा है जीरो हो गई है, कोई बात नहीं, 0.02, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेंथ को हम मेंटेन कर लेंगे अपनी। पहले भी सिलेक्ट ओके सिलेक्ट सिलेक्ट, ठीक है, एस शॉर्टकट की, और यहाँ से ओके, तो हमारी क्यूबरेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको सेट से रख लेता हूँ यहाँ, ठीक है, या होल्ड यहाँ पर कर देते हैं, और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि आपको अपने क्यूबरेस का जो कलर है वो आपको शो होता रहा है सेटिंग के अंदर, जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ओके ये। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वन है इसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करेंगे आप और टी सिलेक्ट, ठीक है, जिस जो वन है हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल को हमें सेलेक्ट करना है, और हम करेंगे सिलेक्ट सर्कल के, सिलेक्ट करने के बाद अपने आएंगे हमारे पास जो है अपना ये टूल, ठीक है, स्किन बैंड टूल, और यहाँ से बैंड कर देंगे पॉइंट के लिए, सेम यहाँ हो गए, आप सिलेक्ट करोगे ये सर्कल है हमारे पास, सिलेक्ट करोगे एंड स्किन बैंड टूल, ठीक है, इस तरीके से आप स्किन को बैंड कर दोगे, सेम यहाँ हो गए आप, ठीक है, और इसको क्लिक करोगे एंड यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला बॉन आ रहा है, यहाँ देखिए इशू है, हमारी जो बॉन है वो मूव हो गई है, तो हमें इसके मैनिपुलेटर के हिसाब से सेट करना है, वरना हमें एनिमेशन में प्रॉब्लम होगी। टी टूल्स को सेलेक्ट करो, टी इस तरीके से ये वाला मूव टूल, ठीक है, एंड क्लिक करोगे आप और जो हमारे पास ये सर्कल है इस सर्कल को सिलेक्ट करोगे एंड वाइंड, ठीक है, फिर हमारे पास जो ये वाली बॉन है इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ये बाहर का जो है इसको इसके साथ अटैच कर दोगे, सेम यहाँ हो गए, सिलेक्ट टी राइट क्लिक असाइन एंड बाइंड, इस तरीके से सेम आप यहाँ हो गए, सिलेक्ट करोगे राइट क्लिक एंड जो हमारे पास है, ठीक है, तो इनको सिलेक्ट करोगे एंड बाइंड, इस तरीके से सिलेक्ट एंड जी ग्रैब कराओ और बाइंड हैंड की जो लाइन है उनको सिलेक्ट करोगे आप, सिलेक्ट करोगे बाइंड, ठीक है, एंड फिंगर है हमारे पास ये मिड फिंगर है, तो यहाँ पर हमारे इसके जो है मैनुअली तीन है, तो आप यहाँ से इसको वाइंड करोगे इस तरीके से, फिर सेलेक्ट इस तरीके से, फिर हमने एक ककल लिया थंब को भी सेम इस तरीके से करना है, थंब हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास फिंगर का है ये वाला है हैंड, ठीक है, इस हैंड को ऑफ कर देते हैं बेसिकली, और जो हमारे पास हैंड के नाम से है इसको भी ऑफ कर देते हैं, ये हमारा हैंड एल है, इसको ऑफ कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं हमें, हमें ऑल हैंड की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये है ऑलरेडी, सेलेक्ट करूँ आप राइट क्लिक, ठीक है, इस तरीके से, और इसे ग्रैब करा लें आप और असाइन कराओ इसको बाइंडिंग को, सिलेक्ट फिर इसको इस तरीके से आओ, अगर नहीं हो रहा सो कोई बात नहीं, आप यहाँ से दोबारा से दूसरे पर आएँ, फिर इस तरीके से, ये भी शो नहीं हो रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करें कि हाँ ये शो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम फिर से आएंगे और यहाँ इसको
करेंगे असाइन। ठीक, सेम यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करो एंड असाइन। फिर जो हमारे पास ये वाला हैंड है, ये है, इनको बंद कर दो। बेसिकली हमें काम करना है इस पर। जो हमारे पास हैंड है, चेक करो ये है का है ही नहीं, तो ये इसलिए आ रहा है। इसको ऑफ करो, जो है उस पर काम करो। ठीक है, ये है, ये है, ये है, और ये नहीं है। हैंड फोर हो गया है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से जिसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ से इसको भी डिलीट करो, इसकी ज़रूरत नहीं, उसको डिलीट करो। ठीक है, और बाकी को आप ऑन कर लें। फिर चेक करते हैं यहाँ से अपने मैनिपुलेट के लिए। ठीक है, वर्किंग जो है वो सही हो रही है। बस यहाँ चाइल्ड पेरेंट का थोड़ा सा इशू है ये, तो मैं इसको अभी सॉल्व कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से टी से और सेट करो इस तरीके से पी। ठीक है, एक बार बाहर क्लिक कर लेते हैं। और जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये पी क्लिक एंड इसको सेलेक्ट करें आप पहले, उसके साथ इसको पेरेंट कर दें। ये वाली जो बॉन है इसको सेलेक्ट करें एंड इसको इसके साथ पेरेंट कर। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा एनिमेशन करके। ठीक है, परफेक्ट, ये ओके। ठीक है, सेम जो वर्क है, हमें पहले यहाँ पर हमारा जो हैंड है इसको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ। ठीक है, ठीक है, सेम मैं सेट को क्रिएट करूँगा और मेरे पास जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम बंद करते हैं और आते हैं एल के बजाय आर पर, राइट क्लिक सेलेक्ट करेंगे दोबारा, सेलेक्ट क्लिक। ठीक है, सॉरी, दोनों को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ इस तरीके से। फिर क्लिक, फिर यहाँ पर आओ, इसको लेके आओ और यहाँ के लिए अपनी बॉन को सिलेक्ट करोगे, एक असाइन कराओगे बॉन। फिर दोबारा से सेम आपको सिलेक्ट करना है, हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है बॉन। फिर उसके बाद आप यहाँ लास्ट में आओगे, यहाँ पर जो बॉन है हमारे पास ये वाली। ठीक है, एंड ये इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कराएंगे असाइन, बॉन सिलेक्ट करोगे एंड ठीक, परफेक्ट। सेम उसी तरीके से हमें अपने जो हैंड है हमारे पास, यहाँ पर एक हैंड जो हमने वहाँ बंद किया था, सेम हमें आर के अंदर भी बंद करना होगा। ठीक है, चेक कर लो इसके अंदर ही है सारे के सारे पार्ट। ऑल हैंड हमारे पास ये है, तो इसको ऑफ कर दो, ऑल हैंड को ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ, पहले अपने जो है हैंड को सेलेक्ट करो, क्लिक करें आप, फिर दोबारा यहाँ आए और लास्ट में यहाँ क्लिक कर दें। ठीक है, इस वाली बॉन को सिलेक्ट करके क्लिक बॉन सेलेक्ट एंड असाइन, परफेक्ट। फिर दोबारा से फिर चाइल्ड पेरेंट करना पड़ेगा, पी फिर वी एंड पी। ठीक है, फिर सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से बॉन के लिए और दोबारा से वही काम करना है हमारे लिए। यहाँ एक कंट्रोल, इसका जो कंट्रोल है वो लगाना है इलिप्स के लिए। सेम यहाँ आओगे, सेलेक्ट करोगे आप और यहाँ से इसके कंट्रोल को लगाना है। ठीक है, हल्का सा ये मूव हो रहा है तो उसको इस तरीके से, फिर सेलेक्ट करो ये वाला बॉन और इसको भी। बेसिकली ज़रूरत नहीं है लेकिन एक स्टिक हो सकता है कभी ज़रूर पड़ जाए तो हमें उसके लिए लगाना पड़ता है। फिर एक इस तरीके से, ठीक है, सेम। उसके बाद यहाँ आइए और बाहर क्लिक कर लो ए और ऊपर को इसको इस तरीके से ले चलो, सेम इसकी तरह। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अराउंड, सेलेक्ट करो इसको एंड इसको। ठीक है, पहले भी सेलेक्ट इस तरह। ठीक है, और यहाँ से कलर चेंज, कलर चेंज करने के बाद इसकी जो है मेनू प्लेट को ज़ीरो कर दें आप। फिर यहाँ से
एसपी स्क्रीन है और यहाँ पर सेलेक्ट करो 0.0, ठीक है। फिर सेलेक्ट करो इस बाउंड को, राइट क्लिक और टी एंड असाइन, ठीक है। वेंड किया, सेम यहाँ आए जो हमारे पास बॉन है ये, इसको सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट किया सर्कल को, फिर किया बाइंड, ठीक है। सेम आते हैं अपने यहाँ, सेलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास सर्कल है इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी, ठीक है, वाइंड करेंगे इस तरीके से एंड चेक करोगे आप यहाँ से अपने हैंड के लिए, ठीक है। तो सर्कल जो है वर्क कर रहा है, लेकिन अभी हमारा जो ये मैंने सेलेक्ट किया जो बॉन, इस पर हमने सेलेक्ट करके टी सेलेक्ट एंड असाइन, ठीक है। सेम यहाँ आते हैं, वी सेलेक्ट एंड टी राइट क्लिक असाइन और, ठीक है, फिर वापस सेलेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ ये चाइल्ड जो है, ये चाइल्ड है लेकिन इसको हम पेरेंट नहीं कर पाए, तो ये इशू इसलिए आ रहा है। एक्चुअली वन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट एंड, ठीक है, सेट करो, ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसके लिए एंड हमारे पास जो हैंड है, ये वाला हैंड है, पहले इसको सबको ऑफ कर लेते हैं क्योंकि कुछ जगह हमारा हैंड जो है वो हाइड है, तो इसे डिलीट करते हैं। दोबारा हमारा ये वाला हैंड है, इस पर भी कुछ नहीं है तो इसको भी हम हाइड कर देते हैं। बेसिकली भी आपके सामने मैंने वर्क किया था पहले, तो ये शो नहीं हो रहे थे। फिर क्लिक करें आप और यहाँ से इसको असाइन कराएं वाइन, फिर यहाँ आए इसको ऑफ करें और बाइंड, फिर इसको ऑफ करें, सेलेक्ट करें बाइंड, फिर इसको सेलेक्ट करें, इसको ऑफ करें बाइंड, ठीक है, एंड वापस आए इस तरीके से और फिर आप चेक करें, ठीक है, परफेक्ट। हमारा ये काम जो है वो हो चुका हमारे हैंड का, ओके। तो बाकी सेम इसी तरीके से मैं सेट भी कर लेता हूँ, हमारा जो एल है हैंड के अंदर, आल हैंड है, हैंड ये वाला है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हम इसे डिलीट कर देते हैं, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास ये वाला हैंड है, ठीक है, आल हैंड, ओके। एंड यहाँ पर हमारे पास जो है ये यहाँ इसकी ज़रूरत है, इसे भी डिलीट कर, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑफ कर लेते हैं सारे हैंड को, चेक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, आर्म को ऑन कर लेते हैं यहाँ से, ये ठीक है। बाकी सब ऑफ रहते हैं, जब स्विच क्लियर करेंगे तब यूज करेंगे इसका हम, और इसको भी ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अब हमारे लिए करना है कि जो हमारे पास इसकी बॉडी है उस बॉडी के साथ काम करना है, ठीक है। अगर ये देखिए, बॉडी के साथ काम करना है, तो बॉडी के लिए हम आएंगे फिर दोबारा से अपने सी एच के अंदर, ठीक है। सी एच के अंदर हमारे लिए मिलेगी शर्ट, शर्ट ये हमारे पास जो हमने ऑफ कर रखी है अभी बेसिकली, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपनी शर्ट को, या पहले लेग पे वर्क कर लेते हैं, हमारे पास जो लेग हैं इन लेग्स पे काम कर लेते हैं। सेलेक्ट करो इनको और इसके अंदर अप्लाई कर दो, ठीक है। घर पे हैं अभी, अब देखो तैयार हो रहे हैं, कितना टाइम लगे अभी बता रही है, 12 बजे के टाइम निकलेंगे, 11:30 12, वो तो अभी बरेली बता रही है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक।
ओके तो अब यहाँ हमारे लिए, हमने इसको ले लिया, लेकिन यहाँ एक पार्ट और बचेगा हमारा। चेक करते हैं हम कौन सा अंडर गियर का, ठीक है। तो ये सेट को भी साथ में ले लेते हैं, यहाँ से सेट हमारी ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। आर्म ये इसके ऊपर, सेट उसके नीचे, अरे सॉरी आर्म नीचे ही होंगे बेसिकली, गलती से हो गया। अब हमें करना है कि हमारे पास जो पार्ट बचा उसको फिर दोबारा से हमें अपनी बॉन को सेलेक्ट करना है। पहले मैं वर्क करूँगा अपनी जो हमारे पास, ठीक है, टी शर्ट है उस पर। तो हमारे पास एक सिलेक्ट जो है, मैं अपनी स्किप को सिलेक्ट करूँगा। स्किप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड असाइन कराऊँगा। फिर दोबारा मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, बेसिकली यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ असाइन कराऊँगा, सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको अटैच करा दूँगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मेरी जो इस है वॉन वो थोड़ी तिरछी है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से एंड इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी बाद में देख लेंगे। फिर वापस आएंगे, सेलेक्ट करोगे हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है वॉन, और उसके बाद हम स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आएंगे अशाइन, फिर सेलेक्ट वॉन, फिर आते हैं यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करो यहाँ से वॉन को और असाइन बॉन्ड, फिर सेलेक्ट करें आप यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, क्लिक एंड असाइन बॉन्ड, फिर वापस आए यहाँ से और क्लिक, फिर लास्ट वाला क्लिक एंड असाइन बॉन्ड, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम जो है एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे लिए, तो इसको हम हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे। ये जो बोन है इसको थोड़ा सा मूव कराएं आप, ये इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके, ठीक है। बाकी स्टिल है, ठीक है। अब चार पैनल से रिलेशनशिप करना है, तो पहले सिलेक्ट कर लिया, फिर बी सिलेक्ट, फिर बी सिलेक्ट किया इस तरीके से एंड सेट किया और इसको मूव किया, ठीक है। लेकिन अभी ऊपर का जो पैरेंट है ये वाला, इसके साथ अटैच नहीं है, चेक करो, ठीक है, परफेक्ट। कंट्रोल जेड, और उसके बाद हमें वेट डालना है, तो वेट डालने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले नीचे से चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं जी, एंड यहाँ तक जो वेट है उसको अप्लाई करना है। हमने ऑलरेडी अपनी बोन को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ थोड़ा सा इशू लग रहा है, टी, ठीक है, बोन, ये ठीक है, ओके, बाकी ठीक है। अब हमें करना, सेलेक्ट कर रखा है हमने ऑलरेडी, फिर यहाँ से असाइन कराओ आप एंड यहाँ आओ, फिर वेंड कराओ, फिर सेलेक्ट करो, फिर जो हमारे पास ये वाली ये बोन, ये वाले वर्टेक्स हैं इनको सेलेक्ट करें आप और ओके ओके सॉरी सॉरी सेलेक्ट करें यहाँ से एंड अपनी बोन को ले, पहले बोन इस तरीके से, फिर सेलेक्ट ए इस तरीके से। एक काम करते हैं, इससे प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि मैं राइट क्लिक करके, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम 0.04 है, यहाँ एक और लगा देता हूँ 0 और यहाँ 10, ठीक है, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अभी ये से मेरे पास कुछ ज़्यादा बड़े मेरे लिए हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको आगे से इसकी 4 हटा देते हैं, क्रॉस के 0 और आगे लगा देते हैं 0, फिर रेडियस जो है इसका 3 है, इसको सर्कल का, तो इसके 0 के बजाय इसको और एक 0, ठीक है। अब यहाँ हमें सोने लगे, कहाँ कहाँ हमारे लिए बॉन्ड लगानी है, आते हैं बॉन्ड के अंदर, सेलेक्ट करो, ठीक है, तो ठीक है, एक बॉन यहाँ लगानी है, दूसरी यहाँ लगानी है, फिर एक यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी, चार पैनल बाद में कर लेंगे, फिर एक
हमें यहाँ लगानी है, एक बोन हमें यहाँ लगानी है, ठीक है। सेम सेम यहाँ, सेम सेम यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो बोन थी वो लग चुकी हैं। फिर हम आएंगे, सिलेक्ट करेंगे अपने सेट के लिए, ठीक है। पहले चाइल्ड ब्रांड कर लो, ये हमारा सिलेक्ट करो, बी अपनी बोन को सिलेक्ट करो पहले, वी ये, ठीक है। पी क्लिक, फिर सिलेक्ट सिलेक्ट वी पी सिलेक्ट, फिर यहाँ से ये वाली बोन, ये एंड पी, फिर इस वाली बोन को सिलेक्ट कर लें और इसको पी, फिर वापस आएँ ये वाली बोन, ये एंड, ठीक है। अब यहाँ से इसको दोबारा नीचे वाली को ही सिलेक्ट कर लें, ठीक। बाकी आएगा इसको तो देखते हैं, वैसे आएगा नहीं। ओके, अब जितनी हमारे पास जो बोन है हमने क्रिएट की है, ये 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 ये, ठीक है। इन सबको एस्पेस करें आप और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो 0.02 कर लें। फिर हम चेक करते हैं हमारे पास जो बोन है, ठीक है, इस तरीके से बाहर थोड़ा सा हट रहा है, कोई बात नहीं, हम बाद में भी सेट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वेट का इशू आ रहा है, तो वेट भी सेट कर लेंगे। और बाकी हमारे पास जो पॉइंट है टी शर्ट के, ये टी शर्ट के मार्कर पॉइंट क्लिक करो, ये पॉइंट्स पे पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको डिलीट कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं, जितना काम था उतना हमने कर लिया। अब मैनुअली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सॉरी सेलेक्ट, मैनुअली सेलेक्ट करो एंड आते हैं वेंडिंग के अंदर, क्लिक एंड क्लिक, फिर सेम आप यहाँ सेलेक्ट करें, क्लिक, फिर सेलेक्ट यहाँ करें, फिर ठीक है वाइंड क्लिक, फिर क्लिक करें यहाँ, फिर जी क्लिक बाइंड, ठीक है। सेम यहाँ आए, क्लिक करें यहाँ, ठीक है, और जी क्लिक बाइंड करें। फिर जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ये वाले, ठीक है, ये तो इनके लिए सिलेक्ट करें, ये और ये सिलेक्ट बाइंड, फिर सिलेक्ट करो इसको जी, फिर बी ये, और फिर एक बार चेक कर दें, ठीक है। तो थोड़ा देख रहे हैं इशू आ रहा है, ये तो इस इशू को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वाली बोन है ना, ये इस पर इसका वेट देना होगा, तो सेलेक्ट करते हैं इस बोन को एंड टी, सॉरी जी जी, और इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट एंड बाइंड चेक करो, ठीक है, ठीक परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करो इसको एंड राइट के लिए ये वाला पार्ट ग्रैब कराओ, इस वाले पार्ट को नीचे नीचे के लिए, और बाहर क्लिक कर लो दोबारा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से, सॉरी क्लिक, ठीक है, कंट्रोल के साथ इस तरीके से, और इसको बैंड कराएं आप, फिर दोबारा फिर चेक करो
जब तक आपको लगे कि हाँ ये मेरा सही नहीं है, तब तक आप इस पे वर्क करते रहें। ठीक है अच्छा, अब ऊपर का पार्ट बचा तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर वी जी ग्रैब, और यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है परफेक्ट, फिर सेलेक्ट करें आप और ए सॉरी अपनी बॉन्ड सेलेक्ट करो ए इस तरीके से। ठीक है, और जो आपके अंडरवियर का वेट है इसका, ठीक है ये वाला जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करें आप यहाँ, और इस पर बेट दे दें इस तरीके से। ठीक है, चेक करोगे तो यहाँ अपना इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ इन्फ्लुएंस को कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इन्फ्लुएंस को कम 0.02 इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे तो एक्चुअली ये सबका पेरेंट है, एंड सिलेक्ट एक बार पी क्लिक और सिलेक्ट करो इसका इन्फ्लुएंस को S0, फिर V बी फॉर वाई शिफ्ट के साथ P पेरेंट। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे काम यहाँ पर तो आपको यूज करने को मिलेगा ये वाला पर। ठीक है, फिर सेम हमें अपना ट्रिक यहाँ यूज करना है, तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक पॉइंट को ऐड करना है यहाँ, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ ऐड करना है। ठीक है, सेलेक्ट करो अपने स्क्रिप्ट को और यहाँ से ठीक है सिलेक्ट क्रिएट करो, और यहाँ ये आप लास्ट में जो है यहाँ ठीक है क्रिएट एंड बॉन्ड पर आए आप, क्लिक क्रिएट ए बॉन्ड, फिर क्लिक करो आइए इस पर अपनी स्क्रिप्ट पर ये वाले पर सिलेक्ट करके असाइन, फिर सिलेक्ट करो नीचे जो हमारे पास एक यहाँ हमने लगाया था अपना ये। ठीक है, तो ये है इनको हमें सर्कल को अपने सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक बॉन्ड सेलेक्ट एंड असाइन। ठीक है, सेम फिर दोबारा से आते हैं यहीं पर जो है हमारे पास सेलेक्ट करो यहाँ असाइन, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ ठीक है इस तरीके से, और क्लिक एंड असाइन। सेम दोबारा फिर आते हैं असाइन वो क्लिक, और फिर दोबारा हमें इसके लास्ट वाली बॉन्ड को सिलेक्ट करना है एंड इसको लो सॉरी पहले क्लिक, फिर उसके बाद बॉन्ड को सिलेक्ट करें आप और असाइन। ठीक है, फिर चाइल्ड पैरेंट का रिलेशनशिप करना है हमें, तो पहले तो हमें क्रिएट करना होगा सेम प्रोसेस के लिए अपने, फिर वी इस तरीके से, फिर सिलेक्ट करो आप नीचे ले आओ एंड यहाँ। ठीक है, यहाँ हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि ये भाई साहब थोड़े से भागे हुए हैं, तो इनको मूव करा लो। ओके, फिर सेलेक्ट करो चाइल्ड पेरेंट वी सेलेक्ट चाइल्ड एंड पेरेंट फिर वी ठीक है, फिर सेलेक्ट करो इस सॉरी वी सिलेक्ट पी
और फिर आते हैं इन केसर को सिलेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस को सेट करने के लिए। प्लेन को ग्रीन करो पहले और फिर इसके इन्फ्लुएंस को लो लो 0.02, ठीक है। एंड फिर से आप बी सेलेक्ट कर लें और एक यहाँ पर क्रिएट करें अपनी बॉन, जो बॉन है इस बॉन को सिलेक्ट करें, सॉरी इस नीचे वाली बॉन को सिलेक्ट करें और इसको इसका पेरेंट बना दें, ठीक है। और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो आप ज़ीरो कर दें क्योंकि ये केवल एक कंट्रोलर है, ठीक है, मूव कराने के लिए। बाकी चेक करूँ आप, ठीक है। सेम अब हमें करना है, इस सेट में भी क्रिएट करना है, तो हमने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करना है, क्लिक क्रिएट ए बॉन्ड अपने यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करो, असाइन सेलेक्ट बॉन्ड एंड क्लिक असाइन ठीक है। एंड मैं चेक करता हूँ यहाँ पर लाइट का जो स्विच को ऑफ करके है, बट ये सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये लोअर लाइट स्विच हमारा जो है यहाँ पर अलग से क्रिएट हो गया है। कोई बात नहीं, क्रिएट करते हैं एंड असाइन, इसको क्लिक करके बॉन्ड को सिलेक्ट करते हैं एंड असाइन कराते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपने सूज के, पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे पास है, हमने इसको सिलेक्ट किया है, क्लिक फिर सूज को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास सूज है, सूज ये है, क्लिक ठीक है इसको एंड इसको, ठीक है। फिर सॉरी कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ दोबारा से आता हूँ लोअर लेग पर, सेलेक्ट असाइन फिर क्लिक असाइन सेलेक्ट अबॉन क्रिएट, ठीक है। फिर असाइन लास्ट वाले बॉन को सिलेक्ट करें हम इन दो को और असाइन सेलेक्ट क्रिएट अबॉन, और फिर आते हैं यहाँ ठीक है। फिर सेम प्रोसेस को यूज करना है, अप्लाई करना है इस तरीके से, क्रिएट फिर सिलेक्ट क्रिएट फिर सिलेक्ट क्रिएट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे वी, ठीक है, वी फोर हुआ है, और यहाँ से एस प्रेस करेंगे इसका 0.0 तो इन्फ्लुएंस को कर लेंगे। फिर आप बी प्रेस करोगे, बाहर क्लिक करोगे, फिर से ए और एक की को लोगे आप इस तरीके से, जिसका पेरेंट हमारा ये वाला जो है इसका कंट्रोलर बन जाएगा ये, ठीक। फिर हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला का इन्फ्लुएंस है, तो इसको इन्फ्लुएंस को ज़ीरो कर देंगे, बी सेलेक्ट सेलेक्ट ठीक है एंड प्लेन ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करो टी इस तरीके। फिर चेक करते हैं हम अपने इन्फ्लुएंस से, ठीक है, तो चाइल्ड बैंड नहीं है तो इसलिए इशू आ रहा है। सेलेक्ट करो चाइल्ड पेरेंट फिर वी सेलेक्ट पेरेंट फिर वी सेलेक्ट पेरेंट, ठीक है जेड, ठीक है परफेक्ट। अब क्या करना है हमारे लिए, जो हमारे पास फोन है राइट क्लिक करो आप, इसका इन्फ्लुएंस जो है हमारे पास, असाइन क्लिक सॉरी ठीक है, ठीक है। एंड असाइन सेम इसको सेलेक्ट करो आप, इसको
असाइन असाइन, फिर बी सिलेक्ट जी, फिर इसको भी असाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर सेट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये थोड़े से हमारे सेलेक्ट करो, ये वाला पार्ट, ये वाले जो पार्ट हैं ये रह गए, तो हमें इनको भी असाइन कराना होगा। सेम असाइन, ये वाला बच्चा असाइन, ठीक है। चेक करो दोबारा, ठीक है। ये इशू आ रहा है, इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो इशू है हमारे सामने उसको देखते हैं, ठीक है। एंड इसको चेक करते हैं, चेक करो, ओके। जी कंट्रोल के साथ ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट असाइन किया यहाँ से इस तरीके से, फिर नीचे वाला पार्ट है क्रिएट किया, असाइन किया, बैंड किया और चेक किया, ठीक है। फिर क्लिक किया और ठीक है, फिर जी फिर असाइन, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक, ठीक है। सेम हमें करना है सेलेक्ट करना ये और सलाम ये जी, बाइंड असाइन, ठीक है। चेक करो, ठीक है, परफेक्ट। एक ये वाला पार्ट जो है वो बचा हमारे पास, ये पहले सेलेक्ट करो इसे, उसके बाद सेलेक्ट करो इसे, बाइंड, ओके, परफेक्ट। सेम इधर आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। क्लिक जी ग्रैब कराओ आप यहाँ से, बाइंड ठीक है, बाइंड सही है, सेम ठीक है। ए क्लिक ठीक है, उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, सॉरी सेलेक्ट टी, ठीक है, सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट जी, ठीक है, बाइंड चेक करो, सही है। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं, सही है। और नीचे वाली जो बॉन है हमारे पास, ये वाला वर्टेक्स है, इसको सिलेक्ट करो, ग्रैब करो, फिर सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ठीक है, सिलेक्ट एंड जी क्लिक असाइन, उसके बाद फिर राइट क्लिक करो यहाँ, ग्रेग इसको क्लिक किया, असाइन सेलेक्ट किया, असाइन असाइन इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद
फिर असाइन, ठीक है। फिर आते हैं बाउंड सेलेक्ट करते हैं ये रेड के लिए इस तरीके से, ठीक है। फिर असाइन सेम यहाँ ये सेलेक्ट करो, असाइन क्लिक जी क्लिक असाइन, फिर सेलेक्ट करते हैं बाहर का पार्ट जो है ये वाला असाइन, ठीक है। इसका कैनवास टेढ़ा हो गया, फिर कैनवास को सीधा कर लेते हैं पहले। फिर सेम नीचे का पार्ट है, सिलेक्ट बाइंड फिर यहाँ से असाइन फिर जी क्लिक कर लो, चेक करते हैं कि हाँ हमने जो किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। ठीक है, ये नीचे का पार्ट ही बचा तो सिलेक्ट कर लो इसे जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आप सेम सेलेक्ट कर लिया, दोबारा फिर सेलेक्ट किया एंड असाइन, ओके ठीक है परफेक्ट। तो हमारा जो है ये वाला प्रोसेस पूरा तैयार हो गया। हाँ, फिर वापस चलते हैं, लेग को बंद करते हैं यहाँ से अपने, इसको भी को भी इसको भी, ठीक है। अब हमारे पास बच्चे हमारे कौन भाई फेस, तो हम यहाँ फेस पर आते हैं क्लिक करते हैं, ठीक है। फेस को ले लिया सिलेक्ट किया अपनी बॉन के लिए, फिर दोबारा सिलेक्ट किया अपनी बॉन ए एंड क्लिक किया, ठीक है। सिलेक्ट इस बॉन को और राइट क्लिक अपने टी राइट क्लिक अपने फेस के अंदर आए, ओके 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 ठीक है। अब मैं क्या करना है, यहाँ पर हेयर सेलेक्ट करना है, तो हेयर सेलेक्ट हो गया बाइंड, ठीक है। फेस बाइंड हेयर, ठीक है। तो यहाँ ईयर है हमारे पास, ईयर लाइन ईयर सेलेक्ट एंड बाइंड, ठीक है। सेलेक्ट बाइंड सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट बाइंड, ठीक है। सेम इधर आइए ईयर टी जी, क्लिक क्लिक सेलेक्ट सेलेक्ट मास्क इस तरीके से सेलेक्ट, ठीक है। नोज नोज फिर इसको बंद कर लेते हैं एंड ग्लास, ठीक
फिर आई के अंदर आ जाते हैं मास्क। सेलेक्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, हेयर है हमारे पास तो हम क्लिक कर लेते हैं हेयर को। ठीक है, आप चेक करते हैं, परफेक्ट। बाकी जो कंट्रोल्स होंगे उनको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो जाएगा हमारा। बाकी हम आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि किस किस तरीके से किस किस पार्ट को हमें सेट करना है। ठीक है, जैसे कि ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इन सबको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फेस करेंगे किस किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए, और एंड तब तक के लिए बाय बाय।